हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री इंग्लिश अरिहंत वर्क बुक का यूनिट फोर का चैप्टर टू ए लिटिल फेस स्टोरी तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए ए लिटिल फेस स्टोरी तो आज हम लोग अरिहंत का वर्क बुक बना रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वाश्चन्स रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो इस लाइन को आपको पढ़ना है अच्छे से और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है ही स्वयं हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ सेट दैट दे नेवर अगेन ह्यर हिम से दैट ही विस् टू बी एनी थिंग बट अ लिटिल फिश ठीक है तो यानी कि इसके बारे में कहा गया है कि सभी लोग जानते थे उसके बारे में सिर्फ एक लिटिल फिश के अलावा ठीक है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है ठीक है अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन है कि हु इज हु इज़ ही इन द एब लाइन तो ही जो है ना कौन है एबब लाइन में जो ऊपर में जो लाइन दिया गया है उसमें ही किसके लिए यूज़ किया गया है द लिटिल फिश द लिटिल फिश के लिए वॉर डिड द अदर फिश से अबाउट ही तो दूसरे फेज जो है ना क्या कहते हैं ही से तो द अदर फेज सेज अबाउट द लिटिल फेज दैट ही नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनी थिंग राइट द अपोजिट राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अब यहाँ पर जो है ना इसका अपोजिट लिखना है है्यूब का ठीक है ह्यूज का क्या होगा लिटिल डेथ का अफ तो इस तरह से आपको याद भी करना है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स द स्टोरी इज अबाउट टू फिशेस फॉल्स तो एफ लिखेंगे द फिश वॉज अनहैप्पी एज ही वॉज वेरी स्मॉल ट्रू द स्मॉलेस्ट फिश मैनेज टू कम आउट ऑफ द नेट ट्रू टी लिखेंगे द स्मॉल फिश कंप्लेंट आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ द नेट फॉल्स एप लिखेंगे द स्मॉल फिश विश टू बी लार्जर ट्रू जो स्मॉल फिश का विश क्या था कि वो बहुत ही बड़ा हो जाए ठीक है तो ये होगा ट्रू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन द लिटिल फिश हैड एवरी थिंग बट ही वॉज नॉट हैप्पी वाई लिटिल फिश के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था क्यों बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत ही छोटा था ठीक है वॉट डिड द लिटिल फेस यूज टू से ओवर एंड ओवर अगेन तो लिटिल फेस जो है ना वो क्या बोलने का कोशिश करता था बार बार वो क्या कहना चाहता था द लिटिल फेस वॉन्ट्स टू बी बिग तो वो हमेशा यही चाहता था कि वो बड़ा हो जाए ठीक है वेर डिर द फिशेज फाइंड देम सेल्फ सडनली तो जो अचानक जो फिशेस थे जो फिशेस uh, थे वो उन्होंने अपने आप को सडनली कहाँ देखा तो सडनली दे फाउंड सेल्प्स इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट तो उसने अपने आप को देखा एक नेट में फंसा हुआ वॉट लेसन डिड द इंसिडेंट टीच द लिटिल फिस तो ये जो है ना लेसन तो ये जो इंसिडेंट होता है तो उसे क्या शिक्षा क्या सिखाता है एक ले, ये जो लिटिल फिस है उसे तो द इंसिडेंट टीचेज दैट द गॉड हैड मेड हिज साइज परफेक्ट तो ये जो इंसिडेंट होता है ना तो इस इंसिडेंट से जो लिटिल फिश होता है तो उसे ये जो ये सिखाता है कि उसका जो साइज़ है वो परफेक्ट है जो भगवान ने उसे जो गॉड ने जो वो साइज दिया है कि वो एक लिटिल फिश है तो वो उसके लिए परफेक्ट है ठीक है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन arrange the following in the correct order so as to make the story meaningful. अब यहाँ पर आपको correct order में इसे सजाना है जो कि आपका story meaningful बने ठीक है तो first में देखिए क्या हुआ है uh, One day सी along with the other fish got caught in a net. Second में क्या होगा The small fish escaped from the net. थर्ड में होगा द स्मॉल फिश यूज टू बी अनहैप्पी फोर्थ में द विस्ट दैट सी वॉज लार्जर आफ्टर दैट सी दैट सी वॉन्टेड टू बी लार्जर ठीक है अब इसमें क्या है कि ये आपका फाइव नंबर में होगा उसके बाद है मैज द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी अब यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है ठीक इस है इसमें है कॉन्टेंडेड कॉन्टेंडेड का क्या हो जाएगा सेटिसफाइड इसके बाद है हॉल तो हॉल का हो जाएगा ई नंबर पुल और ड्रैग विथ इफॉर्ट और फोर्स सडनली एट वंस मैश का मैटेरियल मैटेरियल मोड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड ये मैश क्या होता है जो एक मटेरियल होता है जो कि वायर एंड थ्रेड का जो है बना होता है ठीक है उसके बाद रिगल रिगल क्या इसे क्या कहेंगे ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक मूवमेंट ठीक है यानी कि बहुत ही जल्दी से एक जो है घूमना ठीक है एक मोमेंट लेना ठीक है इसे कहेंगे हम लोग रिगल इसके बाद है राइट डाउन द अपोजिट ऑफ द फॉलोविंग वर्ड्स थैंकफुल तो थैंकफुल का क्या हो जाएगा थैंकलेस यानि कि इसका अपोजिट लिखना है आपको लाफ का क्राई इम्पटिड का फिल्ड लार्जर का स्मॉलर हैप्पी का अनहैप्पी या फिर सैड भी बोल सकते हैं द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बल्ड री एडें टू मेक meaningful वर्ड्स तो यहाँ पर आपको जो है ना ये जम्बल्ड में जो है दिया हुआ है इसमें आपको इसे मीनिंगफुल बनाना है ठीक है रीअरेंज करके लिखना है तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है जम्बल्ड में तो इसे हम सही करके लिखेंगे तो फिश होगा एफ आई एस एच ये वाला लिटिल एल आई डबल टी एल ई ये वाला बी ओ ए टी बोट ये वाला हो जाएगा स्टोरी एस टी ओ आर वाई ये वाला हो जाएगा हैप्पी एच ई डबल पी वाई वाला हो जाएगा स्कूल एस सी एच डबल ओ एल ठीक है इस तरह से आपको बनाना है तो कंप्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा वो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो